दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धेश गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, गर्मियों का मौसम पीक में है, जून का महीना चल रहा है और पूरे भारत में गर्मियों का मौसम है। और इस गर्मी के मौसम में हमारे डॉग को एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो है हीट स्ट्रोक या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाइपरथर्मिया की। जब डॉग का बॉडी टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डॉग को हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रीजंस बताना चाहूंगा कि हाइपरथर्मिया होता क्यों है। पहली बात तो देखिए, इस सीजन में टिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है डॉग्स के साथ में, तो टिक फीवर में भी आप देखते हैं कि हाइपरथर्मिया रहता है, डॉग का बुखार टूटता नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करवाना चाहिए, CBC करवा लेना चाहिए वेट के पास जाकर के। दूसरी चीज, अगर आप उसे बंद कन्फाइंड एरिया में रख रहे हैं, उसे आप टाइम टू टाइम पानी नहीं दे रहे हैं, ठंडा पानी, साफ पानी नहीं दे रहे हैं, उसका बर्तन क्लीन करके नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उसको धूप वाली जगह पर, गर्म एरिया पर, प्लेस पर रख रहे हैं उसे, या फिर आप धूप के टाइम में उसको बाहर ले जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डॉग में हाई बॉडी टेम्परेचर के लिए, हाइपरथर्मिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पहला उपाय तो आप यही करें, डॉग को हाइपरथर्मिया से बचाने के लिए उसे ठंडे प्लेस पर रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट हो, एरिया हो, प्लस उसे साफ पानी, ठंडा पानी दें रेगुलर, और सीजनल फ्रूट्स दे सकते हैं। सीजनल फ्रूट में जैसे वाटरमेलन आता है वो दें, छाछ आप बटर मिल्क उसको अच्छे से दीजिए, और थोड़ा बहुत आइस क्यूब्स भी उसके पानी में डाल सकते हैं। इजीली डाइजेस्टेबल फूड आप उसको दीजिए, तो ये हाइपरथर्मिया से आप अपने डॉग को बचा सकते हैं। यदि हाइपरथर्मिया हो जाता है डॉग को, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट स्ट्रोक का केस देखा जाए, तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि डॉग को हाइपरथर्मिया हो गया है। तो पहला तो डॉग हांफने लगेगा बहुत ज़्यादा, उसमें पेंटिंग होने लगेगी, मुंह से सलाइवेशन होने लगेगा और सलाइवा झाग की तरह लटकने लगेगी। तो पहला तो ये होता है हाइपरथर्मिया का लक्षण। दूसरा, आईज और जो उसके गम्स हैं वो एकदम से रेड पड़ जाएंगे, रेडनेस देखी जाएगी हाइपरथर्मिया के केस में। तीसरा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा डॉग बहुत ज़्यादा, उसको डिहाइड्रेशन आप देखेंगे, उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखेंगे, डॉग को लूज मोशंस और वॉमिटिंग होने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक से साइन होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं हाइपरथर्मिया। बॉडी टेम्परेचर इतना रेज हो जाएगा कि डॉग जो है वो लेथार्जिक हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा और एक जगह पर सुस्त पड़ा रहेगा। तो इन सब चीज़ों से एक ऑनर को पता लगता है कि डॉग में हाइपरथर्मिया की प्रॉब्लम है। तो अब सीधा आप वेट के पास ले जाएं और वेट उसमें क्या क्या चीज़ें करेगा, जैसे कि हमारे भी एक लैब्राडोर में, 4 साल के लैब्राडोर में केस आया था हाइपरथर्मिया का। तो सबसे पहले उसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाए, उस डॉगी का टेम्परेचर था 105.5 और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको ठंडी ड्रिप लगाई, उसे फ्लूड दिया, फ्लूड थेरेपी दी, NS नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है, और नॉर्मल सेलाइन जो है उसको हमने पूरी 500 ml की बॉटल लगाई, प्लस उसको एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन होती हैं वो हमने ड्रिप के थ्रू दी, प्लस उसे एक अच्छी एंटीबायोटिक उसे प्रोवाइड कराई, और साथ में ही उसे जो है पूरी बॉडी को गीला कर दिया, AC में रखा उसे, और ये करीब 1.5 घंटे तक हमने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा। पूरी बॉडी को गीला करने से फ़ायदा ये है कि बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी उतर जाता है। और ऑनर को घर जाने पर भी हमने ये सलाह दी, घर ले जाने पर उसको आराम से ठंडे एनवायरनमेंट में, AC में, अगर AC नहीं है तो कूलर के आगे रखें, बॉडी को गीला कर दे, टाइम टू टाइम ठंडा पानी उसे रेगुलर पिलाते रहें, ठंडी छाछ जो है उसको आप रेगुलर पिलाते रहें। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं दोस्तों जिससे आपको समझ में आता है कि डॉग को इस गर्मी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डॉग एक ऐसा प्राणी है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है, तो इसलिए आपको उसको कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और खासकर इस गर्मी के सीज़न में टिक्स का ध्यान रखें, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे डॉग को हाइपरथर्मिया हो सकता है। धूप में बाहर ना ले जाएं, गर्मी में बाहर ना ले जाएं, सफोकेटेड एरिया में ना रखें उसे, ज़्यादा से ज़्यादा AC या कूलर में रखें, ठंडा साफ पानी उसको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहें, और उसकी मूवमेंट्स को, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है डॉग की, उसको ऑब्जर्व करते रहें कि कहीं हमारा डॉग जो है हाइपरथर्मिया की तरफ तो नहीं जा रहा है। ये सब चीज़ें करेंगे तो आप अपने डॉग को हाइपरथर्मिया से बचा सकेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये वो लैब्राडोर डॉग है जिसको हमने फ्लूड थेरेपी पर रखा है और पूरी बॉडी को हमने गीला कर दिया था जिससे इसको हाई टेम्परेचर से बचाया जा सके, बॉडी टेम्परेचर को कम किया जा सके।